वेलकम टू स्टेपअप आईएएस इन्वेस्टमेंट्स के एडिटोरियल और न्यूज़ डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 दिसंबर है, आइए इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं। तो सबसे पहले आज जो आर्टिकल हमें डिस्कस करना है दैट इज़ अ डिमिनिंग कॉन्फिडेंस, ये इकोनॉमी पर बेस्ड है एंड यहाँ पर भी क्या रिसेंट एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमी में वही उसी को डिस्कस किया गया है। तो रिसेंट एक रिपोर्ट है दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक डाटा रिलीज़ किया गया है और इसके अकॉर्डिंगली बताया गया कि जो इनफ्लो हुआ है इंडिया में वो कितना है, 1312 करोड़ रुपीज़ का इनफ्लो हुआ है ओवरऑल देखें तो, और ये अभी तक बहुत लीस्ट है अगर हम कंपैरिजन करें 2016 से। तो इन्वेस्टर के इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो डाउन हुआ है और इसलिए लोग बहुत कम पैसे भारत में लगा रहे हैं किसी अलग सेक्टर में। लेकिन एज़ कंपैरिजन अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है इस दौरान, जो रिकॉर्ड किया गया उसमें 20,000 करोड़ रुपीज़ को इन्फ्लक्स किया गया है, इनफ्लो स्टॉक मार्केट में देखा गया और वो भी उन गिने चुने इंस्टीट्यूशंस में जो कि एक अच्छी जगह रखते हैं सेंसेक्स में, वहीं पर इन्वेस्ट किया जा रहा है इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो यही बातें इसमें बताई जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। आरबीआई ने भी ये आरबीआई का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे होता है उसमें इस बात को क्लियर किया था कि इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने के लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है इन्वेस्टर्स के बीच में, और ये एग्जैक्टली डाटा भी उसी बात को शो कर रहा है। एंड स्टॉक इंडिसेस एंड द ब्रॉडर इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी में अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, तो सिर्फ सिक्योरिटी मार्केट में नहीं बल्कि ओवरऑल जो एफडीआईज वगैरह आते हैं, इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं अदर सेक्टर्स में, वो सब ज़रूरी है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जबकि यहाँ पर उस तरीके की का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। सो इन्वेस्टर्स वर शिफ्टिंग टू द हाई क्वालिटी स्टॉक्स एट एनी प्राइस। तो क्या कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, पहले क्या होता था लोग बेनिफिट देख करके अपना पैसा लगाते थे, लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटेटिव स्टॉक्स में अपने पैसे लगा रहे हैं बशर्ते कि वो उनको कोई भी अमाउंट मिले। तो वहाँ पर वो पैसे को अहमियत ना दे करके जो ट्रस्ट इशू है उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो यही चीज़ हर जगह पर लागू हो रही है, इकोनॉमी के हर सेक्टर में ये सेम चीज़ लागू हो रही है। इंडिया का ग्रोथ लेवल ऑब्वियसली बहुत नीचे चला गया है, एक्सपेक्टेशन तो हमारा बहुत ज़्यादा था, हम 8% के ऊपर जाने वाले थे, कोशिश यही थी, लेकिन अभी जो रेशियो है 19-20 का, अभी जो सेकेंड क्वार्टर का रिपोर्ट है उसमें कितना महज 50% भी नहीं रह गया है, 4.5% के करीब ग्रोथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। कई और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये सेम बात बताते हैं कि ग्रोथ बहुत नीचे जा रहा है। कल हमने इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल डिस्कस किया था, वो आप लोगों ने जिसने नहीं सुना होगा वो ज़रूर सुन लीजिएगा। उसमें बहुत ही अच्छे से तीन सेक्टर में डिवाइड किया गया है सारी प्रॉब्लम्स को, कि जो इकोनॉमी में दिक्कतें हैं उसको, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका क्या क्या एग्जैक्टली सॉल्यूशन है। तो वो कल के आर्टिकल में बहुत अच्छे से बताया गया था। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि ओनली सिल्वर लाइनिंग इन द डाटा सीम्स टू बी दैट इनफ्लोज एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होगा तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़े। और इसमें जो डाटा रिकॉर्ड्स किए गए हैं उसमें भी यही बताया गया है, नंबर और फिगर को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी रिसेंट मीटिंग हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी अभी दिक्कत ये है कि वो भी अपना जो रेपो रेट है उसको कम नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिसी रेट को कट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी बहुत रेट कट उन्होंने किया हुआ है। तो अभी अगला जो बजट पेश होगा उसको देखते हुए आगे की फाइंडिंग्स होगी, आगे की जो रणनीति है उसके बाद ही बनाई जा पाएगी कि सरकार के पास कितना एरिया है जहाँ पर वो अपना खर्च करना चाहते हैं, कितना उनका एक्सपेंशनरी पॉलिसी रहेगी और मॉनेटरी पॉलिसी के पास कितना अपॉर्चुनिटी रहेगा कि वो इस मार्केट की इकोनॉमी को ठीक कर पाएँ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों की तरफ से जो रिफॉर्म है वो अभी जब बजट पेश होगा तो उसके बाद ही क्लियर कट पता चल पाएगा। साथ में हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है लगातार, हाँ ज़रूरत है अभी और अच्छे अच्छे रिफॉर्म पैकेजेस को लेकर के आने की। तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि बजट को अभी लेकर के आना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है भारत के लिए, और इसमें ये जो रिफॉर्म पैकेजेस हैं उसको ला सकते हैं और इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के बीच में एक कॉन्फिडेंस
क्रिएट कर सकते हैं। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है, इसमें जिनको भी नया बैच ज्वाइन करना हो या फिर पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम ज्वाइन करना हो, एक अलग अप्रोच आपको यहाँ पर मिल रहा है। डिटेल जानने के लिए फ़ोन नंबर पर पता कर लें या फिर इंस्टीट्यूट में जाकर के आप विजिट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अगला आर्टिकल देखते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर है और एक अलग एस्पेक्ट को लिया गया है। आज बाकी के जो आर्टिकल हैं वो भी सिटीजनशिप बिल पर ही हैं, इसीलिए हम एक आर्टिकल को उस पर डिस्कस कर रहे हैं जिसके कि व्यूज़ थोड़े से डिफरेंट हैं। यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि इसके बेसिक्स के बारे में तो आपको पता चल गया होगा, शायद याद भी हो गया होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ में आने वाले लोग हैं उनको भारत में एक मौका दिया जा रहा है, जो कि रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड हैं, जिनको जिनके ऊपर माइनॉरिटीज़ में होने का उनको नुकसान वहाँ पर हो रहा है या फिर रिलीजियस बेसिस पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको हेल्प करने के लिए एक ये कदम भारत सरकार उठा रही है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में बहस होनी है आज, देखते हैं क्या होता है। एनआरसी को भी इसमें एड्रेस किया जा रहा है। एनआरसी जो सबसे पहले बनाया गया था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन असम में, उस समय बहुत सारे वायदे किए गए थे लेकिन उसको पूरी तरीके से पूरा नहीं किया गया था। यहाँ पर हम इस आर्टिकल में यही बात करने वाले हैं कि रिफ्यूजीज़ जो होते हैं उनसे शुरुआती दौर में क्या क्या वादे किए गए थे सरकार के द्वारा जब पार्टीशन हो रहा था, तो और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो अधूरा रह गया था, इसलिए उस काम को पूरा इस माध्यम से किया जा रहा है। माइनॉरिटीज़ में आने वाले आपको कम्युनिटीज़ तो पता है जिनको इसमें शामिल किया गया है, एंड दे इंक्लूड सिख फ्रॉम अफगानिस्तान, सिंधीज एंड एससीज फ्रॉम पाकिस्तान, बंगालीज एंड ट्राइबल फ्रॉम बांग्लादेश। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे जब सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाता है तो पहले इसमें 12 साल का प्रावधान हुआ करता था, 12 ईयर का इंतज़ार करना पड़ता था लोगों को सिटीजनशिप लेने के लिए भारत में, लेकिन अभी नए बिल में उस समय को भी कम करके 5 साल कर दिया है। तो ये प्रिलिम्स का फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको। और 2014 दिसंबर 31 से ये लागू होगा, ये याद रखिएगा। जो लोग उसके पहले तक आ चुके हैं भारत में, वो दे हैज़ लिव्ड हेयर फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, तो दे आर एलिजिबल टू ग्रांट द सिटीजनशिप, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली द डिबेट ऑन द बिल हैज़ बिन डिस्टॉर्टेड बाय द अपोजिशन। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा डिबेट है उसको दूसरे एंगल में घुमा दिया गया, डिबेट को रिलीजियसली बना दिया गया, सेकुलरिज्म को इसमें ज़्यादा तवज्जो दे दी गई और राइट टू इक्वलिटी को का कैसे वॉयलेशन हो रहा है या फिर प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारे पर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं अभी जो भी जितने भी डिबेट डिस्कशंस चल रहे हैं उसमें। एंड दिस माइग्रेशन वॉज नो स्मॉलर दैन द टाइम ऑफ पार्टीशन। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो तीन मेजॉरिटी स्टेट हैं, बंगाल, असम और त्रिपुरा, जहाँ पर पार्टीशन के बाद सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आए हैं, सबसे ज़्यादा लोग वहीं पर आए हैं, और उस पूरे सिनेरियो को कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो उस समय में ऑब्वियसली काफ़ी कैंप्स वगैरह लगाए गए थे, इन माइग्रेंट्स को वहाँ पर शरण दिया गया था, उनके लिए स्पेशल एफर्ट्स किए गए थे, एंड देर आर अ गुड नंबर ऑफ सच बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इन दीज थ्री स्टेट। जैसा कि आपको पता है, असम, बंगाल और त्रिपुरा में काफ़ी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स वहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट उठाया गया है कि इन सारे बातचीत में लोगों ने ये तो कहा कि आर्टिकल 14 का वॉयलेशन हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन किसी ने भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि जब युगांडा में वहाँ पर रहने वाले जो इंडियन माइनॉरिटीज़ में थे उनके साथ गलत हो रहा था, तो उनके लिए उन्होंने कोई कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि उनको भी भारत में नागरिकता दी जानी चाहिए। और जब अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और जो पहले के कमिटमेंट थे 1947 और 1950s में जो कमिटमेंट किए गए थे माइनॉरिटीज़ से कि उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको जब आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो लोग इनका सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ये एग्जाम्पल देते हैं, 1950 में एक एक्ट हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, द इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950। तो उस समय में बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, उसके बाद
नेहरू जी ने ये कहा भी था वहाँ के आसपास के जो कंट्री थे उसके मॉनिटीज से कि वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे अगर कोई भी समस्या होती है तो. और उस समय हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन और सिख दे वर नॉट अप्लाई इनटू दैट एक्ट. जो एक्ट उस टाइम पे लाया गया था उसमें इन माइनॉरिटी इमिग्रेंट्स को शामिल नहीं किया गया था और ये कहा गया था कि इनको बाद में अलग से एक्ट ला करके और यहाँ पर सदस्यता दी जाएगी. लेकिन ये कभी हो नहीं पाया और इसलिए अभी इवन उसके बाद एक एक्शन लिया गया था इंदिरा मुजीब पैक्ट जो कि 1972 में हुआ था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन रहे थे उस समय में. तो इंडिया में 1.2 मिलियन रिफ्यूजीज को शरण दी गई थी. तो उस समय हमने बहुत सारे लोगों को अपनाया कि हम यहाँ पर सिटीजनशिप आपको दे रहे हैं और ये बिल्कुल उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि हम पहले भी लोगों को दिया जा चुका है ये अपॉर्चुनिटी और अब इस बार ये अपॉर्चुनिटी जो वहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं हिंदू सिख बुद्धिस्ट क्रिश्चन पारसी जैन इनको दिया जा रहा है. और यहाँ पर कोई ऐसा सेक्युलर कॉन्सेप्ट नहीं है प्रेजेंट गवर्नमेंट का. देखिए अभी इस पर एक और न्यूज़ भी आई हुई है. न्यूज़ में ये कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है US बेस्ड उसने कहा है कि ये जो बिल है वो रिलीजियस बेस्ड है और अगर ये पास होता है तो सेंक्शन किया जाएगा होम मिनिस्टर वगैरह को. तो ये तो खैर वो न्यूज़ में है फर्स्ट पेज पर ही आप देख लीजिएगा. India has several other refugees that include Tamil and Sri Lanka from Sri Lanka, Hindu Rohingya from Myanmar. Other लोग भी हैं Sri Lanka, Myanmar, Nepal इन सारे जगह से लोग हैं जिनको कि जो citizenship है वो मिलना चाहिए. वो भी धीरे धीरे होगा लेकिन अभी जो present step है वो इन minorities के लिए लिया जा रहा है जो particular तीन देशों से हैं. और ये खैर कल के स्पीच में होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि एक एक करके इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा. नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से सुविधा रखी गई है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनके राइट्स का वॉयलेशन ना हो वहाँ पर उनके कल्चर लैंग्वेज पर किसी भी तरीके का प्रभाव ना पड़े. तो उसके लिए इन स्पेशल जो कम्युनिटीज़ हैं या रीजन है ज्योग्राफिकल रीजन है उसको बाहर रखा गया है इस एक्ट से इस बिल से जो प्रपोज्ड बिल है. और उन्होंने ये भी कहा था कि अभी जो इमिग्रेंट्स वाला मुद्दा है या अदर इशूज़ हैं जो मुस्लिम पीपल हैं इन कंट्रीज़ के उनको भी आने को मिलेगा लेकिन उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है. वो अदर मेथोडोलॉजी से सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं. तो ये याद रखिएगा ऐसा नहीं कहा गया है कि मुस्लिम्स अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं. वो अप्लाई कर सकते हैं जो भी क्राइटेरिया है उसको देखा जाएगा और फिर उनको सिटीजनशिप ग्रांट किया जाएगा लेकिन वो इस एम्बिट में नहीं है वो इसके बाहर है. इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में हम एक न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल पर है ये और इस पर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. देखिए इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में डाटा को तीन भागों में बांटा गया है. ठीक है एक पर्सनल डाटा है नॉन पर्सनल डाटा है और क्रिटिकल पर्सनल डाटा भी है. क्रिटिकल पर्सनल डाटा जो होंगे उनको पूरी तरीके से भारत में रखना पड़ेगा उनको बाहर की कंपनियां नहीं लेके जा सकती हैं. और उसके अलावा जो नॉन पर्सनल डाटा होते हैं या इवन पर्सनल डाटा है उसको यूज़ किया जा सकता है. सेंसिटाइज पर्सनल डाटा जो मैं क्रिटिकल बोल रही थी वहाँ पर सेंसिटाइज पर्सनल डाटा है याद रखिएगा. इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी बीएन श्रीकृष्णा कमेटी जिन्होंने अपने रिकमेंडेशन में बोला था कि किसी भी तरीके से आपको डाटा को बाहर नहीं भेजना है. जो सिक्योरिटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्राइम प्रिवेंशन सबसे जुड़े हुए जो भी डाटा हैं या किसी भी तरीके का डाटा उसको भारत से बाहर ना भेजा जाए लेकिन इस बिल में बदलाव किया गया है. और बिल में ये कहा गया है कि कंपनियां डाटा लेके जा सकती हैं लेकिन जो क्रिटिकल डाटाज हैं सेंसिटिव डाटा हैं गवर्नमेंट डाटाज हैं उनको सिर्फ भारत में ही रखा जाएगा. तो ये अलग अलग प्रावधान अलग चीज़ें इसमें हैं इसको पूरा पढ़ लेना है आपको कि ये इम्पॉर्टेंट है. और आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें. थैंक यू.